भारतीय जनता पार्टी का नारा है और माननीय मोदी जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज बेटी भारत की राजधानी जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज इन्हें काफी दिन हो गए, राज्य के अंदर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन करा, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर। ममता उपाध्याय मेरा नाम है, मैं जौनपुर जिले से हूँ। आप यहाँ एक स्कूल के अंदर, आपको इस समय बच्चों को पढ़ाना चाहिए था या अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए था, आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं? ये मांगे हैं सर, मोदी जी ने ही कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या आज हम बेटियाँ जो रोड पे आए किस कारण से आए? मोदी जी के द्वारा ही हम लोग आज रोड पे आए हैं, आज उनकी ही देन है। हम लोग जब स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं था तब हम लोग 2250 पे हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोग गांव से बच्चे ढूंढ के लाते थे, हम लोग पढ़ाते थे। आज जब हम लोगों को 30,000 मिलने लगा, 32,000 मिलने लगा, तब हम लोग अयोग्य हो गए, जब हम किसी लायक नहीं रहे, तब हम लोग अब किसी लायक मतलब कहीं के नहीं रह गए। अब ये कहा जा रहा है कि फिर या तो पुनः शिक्षा मित्र के पद पे ज्वाइन कर लो, ये बताइए। हम उन माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि 10,000 वो देने के लिए तैयार हैं, 10,000 में किसका घर चलता है आज के ज़माने में, आज के महंगाई में 10,000 उनका तो हर पे महंगाई बढ़ गया है। कौन सी चीज़ इसके जिस पे उनका टैक्स न बढ़ा हो? नोटबंदी किए, नोटबंदी कर, नोटबंदी में किसका नुकसान गया हम सबसे पूछना चाहते हैं, नोटबंदी में किसका नुकसान हुआ? सिर्फ गरीबों का नुकसान हुआ। आज मारा वही जा रहा है जो कमज़ोर है, मोदी जी आज उसी को मार रहे हैं। आज हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग इतनी दूर से वहाँ से इस दिल्ली की जमी धरती पे हम लोग भी तो बेटी बहू हैं, घर छोड़ के क्यों आना पड़ा? मोदी जी क्या पीड़ा हम लोगों की नहीं देख रहे हैं कि हम लोगों की पीड़ा मोदी जी देखें? उनको भी तो देखना चाहिए, हम लोग भी तो बेटी, कहाँ गई उनकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात? ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात जो बोल रहे हैं, आज हम लोगों की बेटी की पीड़ा नहीं दिख रही है? आज हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूछते हैं कि मम्मी फीस हमारे कब दोगी, अगले महीने हमारा हमें काफ़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कहाँ से उनको दे पाएंगे? आज 2 महीने से हम लोग को 1 रुपये नहीं मिल रहा है, बताइए कहाँ से हम लोग देंगे बच्चों को फीस कापी की? तो हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ रहा है? जो शहर में पढ़ा रहे हैं वो योग्य हैं, और जो गांव में पढ़ा रहे हैं वो आए के टैली करवा लेना, प्राइमरी के बच्चों से अपने मॉन्टेसरी के बच्चों से आके टैली करवा ले, जहाँ इंटर पास, हाई स्कूल फेल, इंटर फेल, जहाँ के मॉन्टेसरी में जो पढ़ाए जा रहे हैं उनके बच्चों से आके हमारे बच्चों से टैली कर लें। हम लोग अस्थाई ज्ञान देते हैं, न कि रटंतु विद्या हम लोग देते हैं, हम लोग रटंतु विद्या नहीं देते, लेकिन हम लोग क्यों मोदी जी अयोग्य मान के निकाल दे रहे हैं? बड़ी विडंबना वाली बात है कि आंखों में आंसू देखने में आते हैं कि जिन अध्यापिकाओं ने गांव-गांव में जाके घर घर से बच्चों को निकाला, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को निकाला जहां पढ़ने की सुविधा नहीं थी, जो पहले सरकार के जो विद्यालय थे उनमें ताला लगा हुआ था, उन तालों को खोलने का काम इन्हीं अध्यापिकाओं ने किया, और आज जो मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये बेटियां रोड पर हैं। आइए और जानकारी लेते हैं और क्या समस्या।